Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start with your second chapter in your civics book, Diversity and Discrimination. ठीक है, diversity क्या होता है? देखो, diversity का मतलब होता है विभिन्नताएं. ठीक है, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि कैसे हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, यानी कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रीजन के लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं. ये हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे हमने समझा था कि अंडरस्टैंड वो डाइवर्सिटी क्या होती है. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएँ. अलग अलग कल्चर हैं यहाँ पे, अलग अलग भाषाएँ हैं, है ना, अलग अलग जो है लोगों की बिलीव्स हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव करना. भेदभाव कैसे? कि जैसे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऊंच नीच के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, सो ओपन योर सिविक्स बुक चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. हम समझ चुके हैं लास्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी क्या होता है, विभिन्नताएं होती हैं. ठीक है, समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज, लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन द सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप. कभी कभी क्या होता है, जो लोग दूसरों से थोड़ा अलग होते हैं उनको जो है टीज किया जाता है, यानी उनको चढ़ाया जाता है, उन पर हंसा जाता है, या फिर उनको जो है कुछ एक्टिविटीज़ में या किसी तरीके के ग्रुप्स में उनको ऐड नहीं किया जाता. वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वेज. हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है, और हम बहुत जो है हर्ट होते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हेल्पलेस फील करते हैं जब हमारी फ्रेंड्स या दूसरे लोग हमारे से इस तरीके का व्यवहार करते हैं. Have you ever wondered why this happens? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये सारे जो experiences हैं ये हमारी सोसाइटी से जिसमें हम रहते हैं उससे रिलेटेड हैं. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो हमारे आसपास जो इनइक्वालिटी है, यानी कि असमानता है, उससे किस तरीके से कनेक्टेड है. डिफरेंस एंड प्रेजुडाइस. देर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वो बनाती हैं जो कि हम आज हैं, यानी कि हाउ वी लिव, हम किस तरीके से रहते हैं, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, हम कौन सी भाषाएं बोलते हैं, व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, थिंग्स वी आर, द गेम्स वी प्ले, हम क्या पहनते हैं, हम कौन से गेम्स खेलते हैं, एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और हम किन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं. इन सब चीज़ों से मिलके हम वो बनते हैं जो आज हम हैं. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था ना कि जिस तरीके की ज्योग्राफी होती है, हमने लद्दाख और केरला के एग्जाम्पल से समझा था ना, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस तरीके के ज्योग्राफिकल एरिया में हम रहते हैं और जो है हमारे ज्योग्राफिकल एरिया की या हमारी जो है हिस्ट्री क्या है. ठीक है, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको पता चलेगा कि इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, यानी कि कितना ज़्यादा जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ है, अगर आप जो ये नीचे स्टेटमेंट दी हुई है इनको पढ़ेंगे. देर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में जो है मेजरली, यानी कि प्रमुख रूप से 8 धर्म हैं. एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. भारत में उन सभी का जो है पालन होता है, यानी कि उन धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं. ठीक है, वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग. लोगों की हम ऐसे 1600 भाषाएं भारत में बोली जाती है जो लोगों की मातृभाषाएं हैं. ठीक है, 1600. एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स. 100 से ज़्यादा हमारे देश में डांस फॉर्म्स, अलग अलग तरह की जो है डांस की फॉर्म्स जो है, नृत्य शैलियाँ जो है पाई जाती हैं. येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. हालांकि ये डाइवर्सिटी जो है हमारी, इसको हम हमेशा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, यानी कि हम हमेशा इन चीज़ों के बारे में हैप्पी नहीं होते हैं.
This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों के साथ ही सेफ और सिक्योर फील करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बातें करते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं और जो हमारे जैसा ही सोचते हैं. यानी कि हम दूसरे लोगों से जो है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं. हम उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे ज़्यादा होते हैं. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. जब कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे थोड़ा अलग होते हैं, हम उनको जो है स्ट्रेंज और जो है अनफेमिलियर वे में उनसे उनको पाते हैं. यानी कि हम उनको जो है अलग और मतलब अपरिचित सा अपने से पाते हैं. एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजंस व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि वो हम लोग हमसे अलग कैसे हैं. पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम. कभी कभी क्या होता है, लोग जो हैं उन लोगों के बारे में कुछ अपनी ही धारणाएं बना लेते हैं, अपनी ही सोच बना लेते हैं जो कि उनके जैसे नहीं होते. यानी कि अपने आप ही सोच लेते हैं कि ऐसे होंगे, अच्छे नहीं होंगे, है ना, इस तरीके से. लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया. भारत के शहरों और ग्रामीण, रूरल होता है गांव के एरिया और अर्बन होते हैं शहरों के एरिया. तो यहाँ के लाइफ से जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स को जो कि आपको सही लगे, आपको सही लगेंगी, इनको हम देखते हैं. टिक मार्क दोज यू एग्री विद, यानी कि जो आपको सही लगेंगी आप उनको टिक मार्क करेंगे. डू यू हैव अ प्रेजुडाइज अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल. क्या आप लोग जो हैं प्रेजुडाइज करते हैं, यानी कि उनको जो है उनके बारे में अपनी आपकी कोई धारणा बना रखी है कि गांव के लोग ऐसे होते हैं या शहरों के लोग ऐसे होते हैं. फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजंस व्हाई पीपल हैव दिस प्रेजुडाइज. लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा पता लगाइए कि बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं और करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं. कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडाइज दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. प्रेजुडाइसेस क्या होते हैं, देखो पूर्व धारणाएं जो हम बिना किसी फैक्ट के अपने आप ही अपने दिमाग से जो है बना लेते हैं दूसरों के बारे में, ठीक है. दैट हमें ऐसे ही कुछ प्रेजुडाइसेस की लिस्ट बनानी है जो आपने अपने आसपास देखी हो. हाउ डू दे अफेक्ट द वे इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर. और ये किस तरीके से उन तरीकों को अफेक्ट करते हैं जिससे लोग एक दूसरे को जो है ट्रीट करते हैं. गाँव के बारे में देखो, मोर देन 50% ऑफ द इंडियंस लिव इन विलेजेस. 50% से ज़्यादा लोग जो है गांव में रहते हैं. आपको उन चीज़ों को टिक करना है जो आपको लगता है कि ये सही है. विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन. यानी कि गांव के लोग जो है अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और वो अंधविश्वास से भरे हुए होते हैं. यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा अंधविश्वास होता है. क्या आपको ऐसा लगता है? पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. यानी कि गांव के लोग जो होते हैं वो पिछड़े हुए होते हैं और उनको नई टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यानी कि खेती से जुड़ी हुई नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं. इन वीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12-14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड. जब हार्वेस्टिंग का या प्लांटेशन का सीज़न हो गया, यानी कि फसल की कटाई का या फिर उगाने का जो सीज़न होता है उसमें जो परिवार होते हैं जो खेतों में काम करते हैं वो 12-14 घंटे तक खेतों में काम करते हैं. विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क. जो ग्रामीण होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो फोर्स होते हैं कि शहरों में जाके वो काम ढूंढे और शहरों में माइग्रेट करें. माइग्रेट का मतलब होता है शहरों में जाके शिफ्ट हो जाए, यानी कि काम की तलाश में शहरों की ओर जाए. अर्बन लोगों के बारे में हम देखते हैं, लाइफ इन द सिटी इज ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी. शहरों की लाइफ जो है आसान होती है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं. क्या आपको लगता है ये सही है? जो चीज़ आपको सही लगेंगी आप सिर्फ उन पर टिक करेंगे, ठीक है. इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटल टाइम विद ईच अदर. शहरों में लोग जो है, फैमिलीज जो है बहुत ही कम समय अपने परिवार के साथ बिताती हैं. पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल. शहरों के लोग सिर्फ पैसों के बारे में चिंता करते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं. लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव. शहरों में रहना महंगा है. अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट. लोगों की अर्निंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रेंट में यानी कि किराया देने में और ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन में ही खर्च हो जाता है. सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट. शहर के लोग जो है उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता. वो बहुत ज़्यादा कनिंग होते हैं, चलाक होते हैं और बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं यानी कि भ्रष्ट होते हैं. क्या आपको ऐसा लगता है? अपने आप सोच के इन चीज़ों पे आपको टिक करना, जो आपको सही लगते हैं उन कॉलम्स पे आपको टिक करना है, ठीक है. सम ऑफ दी स्टेटमेंट्स सी विलेजेस एज इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशियस.
ये जो स्टेटमेंट्स हैं कुछ हमें बताती हैं कि गांव के लोग जो है इग्नोरेंट होते हैं, यानी कि वो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानना चाहते और अंधविश्वासी होते हैं। एंड सी द पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड, लेजी एंड कनिंग। और शहरों के लोगों को ये स्टेटमेंट कैसे दिखा रही हैं कि वो लोग बहुत ही मनी माइंडेड है, यानी कि पैसों के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, आलसी होते हैं और कनिंग यानी कि बहुत ज़्यादा चलाक होते हैं। When our opinion about certain people are always negative, seeing them as lazy, cunning, stinking, as some of these statements, then these become prejudices that we carry about them. जब हम लोगों के बारे में कुछ गलत धारणाएँ बना लेते हैं, कुछ negative धारणाएँ बना लेते हैं, जो कि लोगों को बताते हैं कि बुरे हैं, cunning हैं, आलसी हैं, चलाक हैं, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब चीज़ें prejudices कहलाती हैं, ठीक है, जो कि हम दूसरों के बारे में अपनी धारणाओं को बना लेते हैं। Prejudice means to judge other people negatively. Prejudice का मतलब होता है लोगों को जो है नकारात्मक ढंग से negatively उनके बारे में judge करना और see them as inferior या फिर उनको नीचा समझना। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. जब हम ये सोच लेते हैं कि काम करने का सिर्फ एक ही ढंग सही है और जो है एक पर्टिकुलर तरीका ही बेस्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, उन लोगों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते जो कि काम को दूसरे ढंग से करते हैं, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जैसा काम हम करते हैं या जैसा हम तरीका हम अपनाते हैं सिर्फ वो ही सही है, तो हमें दूसरे लोग गलत लगते हैं जो काम को दूसरे ढंग से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। जब हम ये मान लें कि इंग्लिश ही बेस्ट लैंग्वेज है, दूसरी भाषाएं बेस्ट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश को तो बेस्ट बता रहे हैं लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस को नेगेटिवली जज कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी मे माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। इसका रिजल्ट क्या होगा, हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो कि इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाएँ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इंग्लिश ही बेस्ट भाषा है और दूसरी भाषाएँ इंफीरियर हैं। We can be prejudiced about many things. हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में prejudiced हो सकते हैं। People's religious belief, यानी कि लोगों के जो धर्म के बारे में भावनाएं हैं, the color of their skin, उनकी स्किन का कलर कैसा है, the region they come from, कौन सी जगह से वो आते हैं, the accent they speak in, किस तरीके से वो बोलते हैं, ठीक है, the clothes they wear, etc. किस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं, सब चीज़ों के बारे में हम prejudiced हो सकते हैं। Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendships with them. कभी कभी हमारा prejudice इतना strong होता है, दूसरों को लेकर हम इतने ज़्यादा negative होते हैं कि हम उनको दोस्त बनाना पसंद नहीं करते हैं। At times we may even act in ways that hurt them. कभी कभी हम इस तरीके का भी व्यवहार करते हैं जिससे सामने वाले लोग जो है hurt हो जाते हैं। Creating stereotypes. Stereotypes क्या होता है, एक पुरानी सोच के आधार पर ही चलते जाना। All of us are familiar with gender differences. हम सबको पता है कि हमारे हम जो है gender difference को हम समझते हैं कि लड़का और लड़की में किस तरीके से जो है भेद किया जाता है। What does it mean to be a boy or girl? लड़का या लड़की होने का क्या मतलब होता है? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. आप में से बहुत सारे सोच सकते हैं ये तो हमें जन्म से मिला है, इसमें क्या किसी का क्या लेना या देना है कि कोई बॉय है या कोई गर्ल है। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स समझते हैं। अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज एप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दो सेक्शन दिए हैं, आपको जो है इन चीज़ों को जो है इन दोनों लिस्ट में डालना है। दे आर वेल बिहेव्ड, ये अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, आपको डालना है बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होती हैं और होते हैं और जेंटल होते हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं आपको क्या लगता है कि ये बॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है या गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल है, आपको दोनों कॉलम्स में ये डालनी है। नाउ चेक विद योर टीचर्स हेल्प हु हैज़ पुट विच स्टेटमेंट वेयर। अब आप अपनी जो है टीचर की हेल्प से पहले आप इसको फिल करेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है हमें ये कॉलम्स फिल करने चाहिए थे। फाइंड आउट एंड डिस्कस द पीपल्स रीजन फॉर डूइंग दिस। अब अलग अलग स्टूडेंट्स इसको अलग अलग तरीके से करेंगे तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। आर द क्वालिटीज यू पुट इन फॉर बॉय समथिंग दैट बॉय आर बॉर्न विद। क्या आपने जो क्वालिटीज बॉयज़ के लिए डाली हैं क्या वो क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि उनको बाय बर्थ मिली हैं, यानी कि जन्म से मिली हैं? If we take the statement they can't, they don't cry, you will see that this is a quality of a generally associated with boys
एंड मैन. अगर आप एक स्टेटमेंट पढ़ोगे कि ये जो है रोते नहीं हैं, ठीक है, दे डोंट क्राई, तो आप जनरली क्या सोचोगे कि ये लड़कों के बारे में या पुरुषों के बारे में कही जा रही है. एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉय फॉल एंड हर्ट देमसेल्स देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई यू आर अ बॉय. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब छोटे बच्चे या लड़के जब गिर जाते हैं तो उनके परिवार वाले उनको क्या कहते हैं कि मत रो, तुम एक लड़के हो. बॉयज़ आर ब्रेव, लड़के बहादुर होते हैं, दे डोंट क्राई, लड़के नहीं होते हैं. तो एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई. जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके मन में भी ये बात जो है मतलब वो ये बात सोचते हुए बड़े होते हैं, उनके मन में ये धारणा बन जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं और लड़के जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, सो दैट इवन इफ ए बॉय फील्स लाइक क्राइंग सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो. तो कभी कभी क्या होता है, जब लड़के को रोने का मन भी होता है तो वो रोता नहीं है ये सोच के कि लड़के तो कभी रोते ही नहीं हैं. ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस. उसको ऐसा भी लगता है कि रोना जो है कमजोरी की निशानी है. सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वॉन्ट टू क्राई स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन एज दे ग्रो ओल्डर बॉय लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई. जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो अपने आप को सिखाते हैं कि उन्हें रोना नहीं है. इफ अ ग्रोन बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर्स विल ईदर टीज हिम और लाफ एट हिम. अगर कोई लड़का यानी कि ग्रोन बॉय बड़ा लड़का जो है रोता है तो उसे लगता है कि दूसरे लोग उसको चिढ़ाएंगे और या फिर उसके ऊपर हंसेंगे. एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स. इसलिए वो दूसरों के सामने ऐसा करने से बचता है, यानी कि दूसरों के सामने रोता नहीं है. दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर. ठीक है, तो इस तरीके से लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियाँ जो है इस तरीके से होती हैं. दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली. ये स्टेटमेंट्स हम हमेशा सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियाँ ऐसी होती हैं. एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग. और हम इन स्टेटमेंट्स को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे. एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली. और हम ये मान लेते हैं कि हम सबको इसी के अकॉर्डिंग जो है बिहेव करना चाहिए कि लड़के इस तरीके से होते हैं और लड़कियाँ ऐसी होती हैं. वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस. यानी कि हम उस इमेज में जो है लड़कों को और लड़कियों को फिट कर देते हैं जिस इमेज में जो है सोसाइटी ने हमें सिखाया है बचपन से. ठीक है, वेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप. जब हम एक तरीके की इमेज में लोगों को बांधना शुरू कर देते हैं कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं. वेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री रिलीजन सेक्स रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी लेजी क्रिमिनल और डम दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप. जब हम ये मान लेते हैं, जब ये लोग कहते हैं किसी देश के लोग किसी भी देश के लोगों के बारे में कि मतलब उनके जो है फिजिकल फीचर्स के बारे में या फिर उनकी जो है किसी और क्वालिटी के बारे में कि इस देश के लोग तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो जनरली हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक स्टीरियोटाइप बना रहे होते हैं उन लोगों के बारे में. ठीक है, देयर आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री एंड एवरी रिलीजन इन एवरी ग्रुप वेदर रिच और पुअर मेल और फीमेल. एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम. देखो इस तरीके के लोग, देखो झूठे लोग, मकार लोग, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही देश में होते हैं, एक ही जगह होते हैं, तो हर जगह होते हैं. तो ये मान लेना कि ऐसे लोग जो हैं एक ही जगह पे होते हैं ये गलत है. इसको ही हम स्टीरियोटाइप कहते हैं. स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर. स्टीरियोटाइप से क्या होता है, हम किसी की भी अच्छाइयों को या उसके उस पर्टिकुलर बंदे पर्सन की जो है अच्छाइयों को या क्वालिटीज़ को नहीं देख पाते हैं जो कि उसके अंदर होती है, जो दूसरों से अलग है. दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इन टू ओनली वन पैटर्न और टाइप. लार्ज नंबर ऑफ लोग पर्सन को जो है हम एक ही तरीके में जो है फिट कर देते हैं. स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट. स्टीरियोटाइप क्या करता है, देखो हमें वो सब चीज़ें करने से रोकता है जिसमें शायद हम अच्छे हों, यानी कि हमें वो चीज़ें करने से जो है रोकता है जो कि हम शायद बहुत अच्छा कर सकते हैं. इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब हम देखें असमानता और भेदभाव को. डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स. कब होता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कब होता है, जब हम अभी हमने समझ लिया प्रेजुडाइस क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है, इनके बेसिस पे जो हम बिहेव करते हैं उसी को हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन. अगर आप
दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई काम करते हैं, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज, अगर आप दूसरे लोगों को किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं, एंड टेकिंग अप जोक्स, उनके ऊपर जो है हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, या उनको किसी सर्टेन नेबरहुड में, पड़ोस में रहने से रोकते हैं, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपम्प, एक ही कुएं या एक ही हैंडपम्प से उनको पानी लेने से रोकते हैं, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेस एज अदर्स, मतलब दूसरों की तरह ही सेम कप और ग्लासेस में उनको चाय पीने नहीं देते हैं, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, आप उनके साथ जो है भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, अब भेदभाव जो है वो कई वजहों से हम कर सकते हैं, यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज, हमने पढ़ा था समीर वन और समीर टू की स्टोरी, समीर एक और समीर दो के बारे में, वो दोनों क्या थे, अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, वो दोनों अलग अलग धर्मों से भी आते थे, ठीक है। दिस इज एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये क्या है, एक विभिन्नता का, भिन्नता का एक जो है आस्पेक्ट है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये विभिन्नताएँ यानी कि एक अलग धर्म से एक दूसरे धर्म से ये विभिन्नता आगे चल के या फिर मतलब कुछ कारणों से जो है डिस्क्रिमिनेशन भी बन सकती है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन स्पेसिफिक रीजन एक्सेट्रा मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इनफीरियर, कभी कभी क्या होता है लोगों को कि वो जैसा धर्म मानते हैं, जिस जगह से वो आते हैं उस जगह को हम इनफीरियर मानते हैं, यानी कि कुछ मानते हैं, छोटा मानते हैं, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति भी एक दूसरे से बहुत अलग थी। समीर दो वॉज पुअर, समीर दो क्या था, गरीब था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रेड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी, इस तरीके के जो विभिन्नता होती है इसको हम डाइवर्सिटी नहीं कहते हैं, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी, की एक अमीर है दूसरा गरीब है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने लिए बेसिक नीड्स, अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें, खाने की, कपड़ों की और जो है शेल्टर की। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा, उनके साथ ऑफिसेज में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या होता है, भेदभाव होता है। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, जहाँ उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो गरीब हैं। सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ लोग जो है दोनों तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है उसका सामना करते हैं। दे आर पुअर एंड बिलोंग टू ग्रुप्स हूज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड, मतलब वो गरीब भी हैं और वो एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जिनके कल्चर को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स, मतलब ट्राइबल्स जो होते हैं आदिवासी होते हैं या फिर कोई अलग धर्म के लोग होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो किसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ मतलब इन सब बेसिस पे भी लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, आगे आने वाले सेक्शन में हम देखते हैं कि कैसे एक जो फेमस इंडियन थे उनके साथ भेदभाव किया गया। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वे इन विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि कास्ट के बेसिस पे किस तरीके से लोगों के साथ जो है भेदभाव होता था या होता है। ऑन बींग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा, लोग देखो अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे कि कोई टीचर होता है, कोई कारपेंटर होता है, कोई जो है कुम्हार होता है यानी कि बर्तन बनाता है मिट्टी के, कोई वीवर होता है यानी कि बुनकर होता है, कोई फिशिंग का काम करता है, कोई फार्मिंग करता है, ठीक है, टू अर्न अ लाइवलीहुड, अपना जीवन चलाने के लिए। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स, क्या होता है कुछ तरीके के कामों को हम ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं और दूसरे कामों को कम वैल्यू देते हैं। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू, देखो सफाई से जुड़े हुए कामों को है ना, या कपड़े धोने के कामों को, बालों को काटना या फिर कूड़ा उठाने के कामों को हम जो है काफ़ी कम वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर, ये काम करने वाले लोगों को हम गंदा या फिर जो है छोटा मानते हैं, इम्प्योर यानी कि अशुद्ध मानते हैं।
दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. यही बिलीफ जो है हमारे कास्ट सिस्टम का जो है मुख्य कारण है. इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन द सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वॉज ईदर अबव और बिलो द अदर. कास्ट सिस्टम में क्या होता है, एक तरह की सीढ़ी बनाई होती है जहाँ पे एक जो कास्ट है या तो किसी से ऊपर होगी या फिर किसी से नीचे होगी. यानी कि एक ऐसा मान लो कि एक सीढ़ी है, कोई कास्ट उसके ऊपर है और कोई कास्ट उसके नीचे है, और ये हमने खुद ही बनाई हुई है. ठीक है, दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ द लैडर कॉल देमसेल्फ अपर कास्ट. यानी कि उस सीढ़ी में जो सबसे ऊपर है वो अपने आप को क्या बुलाते हैं, अपर कास्ट. एंड शो देमसेल्फ एज सुपीरियर, और अपने आप को काफ़ी सुपीरियर बताते हैं या मानते हैं. द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल. जो नीचे की सीढ़ियों में होते हैं उनको अनवर्दी मान लिया जाता है. यानी कि ऐसा मान लिया जाता है वो किसी काम के नहीं है, उनके साथ अनटचेबल, यानी कि उनको जो है छूना, मतलब उनको उसके साथ जो है छुआ छूत किया जाता है कि उनको छूना नहीं है, ये लोग इन्फीरियर है इस तरीके से. कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मेंट टू डू. कास्ट रूल क्या कहते हैं, देखो वो ये कह देते हैं कि जो काम ये अनटचेबल करते हैं ये सिर्फ वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा ये और कोई काम नहीं करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वर फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज. यानी कि आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पे कि कुछ लोगों को जो है काम दे दिया जाता है कि वो सिर्फ गाँव में कूड़ा उठाएंगे या फिर मरे हुए जानवरों को ही उठाएंगे. बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट. लेकिन उनको अलाउ नहीं होता कि वो अपर कास्ट के लोगों के घरों में एंटर कर सकें और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल या फिर गाँव के जो है कुएँ से पानी ले सकें, और इवन एंटर टेम्पल्स या फिर उनको मंदिरों में भी आने की इजाज़त नहीं दी जाती थी. देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल. उनके बच्चों को जो है स्कूल में दूसरे जाति के बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था. दस अपर कास्ट एक्टेड इन वेज विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स द सेम राइट एज दे इंजॉय. तो इसमें क्या होता था, अपर कास्ट के लोग जो हैं, जो ये अनटचेबल्स होते थे, इनको वो राइट नहीं देते थे जो कि वो खुद इंजॉय कर रहे थे. ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड. जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जो हमारे भारत के महान लीडर रहे हैं, उन्होंने अपना पहला एक्सपीरियंस जो है बताया था जहाँ उनके साथ कास्ट के बेस पे भेदभाव किया गया था जब वो 9 साल के थे. ही हैड बॉर्न विद हिज ब्रदर्स एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज नाउ इन महाराष्ट्र. वो अपने भाइयों और कजन्स के साथ जो है कोरेगांव अपने पिता से मिलने जा रहे थे. लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप. काफ़ी इंतजार करते हैं लेकिन कोई नहीं आता. एन आवर एलैप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर. एक घंटा बीत जाता है और उसके बाद स्टेशन मास्टर जो है पूछताछ के लिए आता है. ही आस्क्स फॉर आवर टिकट्स. वो हमसे टिकट के बारे में पूछता है. वी शोड देम टू हिम. हम उनको अपने टिकट दिखा देते हैं. ही आस्क्स व्हाई वी टैरिड. वी टोल्ड हिम दैट वी वर ब्रॉट फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम बट दैट नीदर हैड टर्न्ड अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव. वो कहते हैं कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने पिता का या उनके नौकर का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन कोई भी नहीं आता और हमें नहीं पता कि अब हम कोरेगांव कैसे जाएँ. वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन. हम बच्चों ने जो है अच्छे कपड़े पहन रखे थे. फ्रॉम आवर ड्रेसेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स. हमारे कपड़ों से और हमारे बोलने के तरीके से कोई नहीं कह सकता था कि हम अनटचेबल्स हैं, यानी कि अछूत हैं. इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मिन चिल्ड्रन, ब्राह्मण चिल्ड्रन, एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस. मतलब वो जो स्टेशन मास्टर था उसको लगता है कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं और उनकी बातों से वो बहुत जो है टच्ड फील करता है. एज इज यूजुअल अमंग द हिंदूज द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हू वी आर. जैसे कि हिंदुओं में कॉमन होता है तो वो स्टेशन मास्टर भी उनसे पूछता है कि तुम कौन हो. विदाउट अ मोमेंट्स थॉट आई ब्लटर्ड आउट दैट वी आर माहर्स. बिना सोचे समझे कहते हैं मैं बता देता हूँ कि हम माहर्स हैं. माहर इज वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल इन बॉम्बे प्रेजिडेंसी. पहले जो बॉम्बे प्रेजिडेंसी होती थी वहाँ पे जो माहर्स होते थे वो एक ऐसी कम्युनिटी होती थी जिनको अनटचेबल माना जाता था. ही वॉज स्टंट. वो जो स्टेशन मास्टर है वो हैरान रह जाता है. हिज फेस
underwent a sudden change. उसके फेस पे अचानक से एक चेंज आता है. वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. उसको जो है उसका चेहरा ही अचानक से बदल जाता है और उसकी फीलिंग जो है चेंज हो जाती है. और जैसे ही उसका मतलब जो उसने उत्तर दिया था वो सुनता है, वो वापस चला जाता है अपने कमरे में और जहाँ हम खड़े थे हम वहीं खड़े रह जाते हैं. 15 or 20 minutes elapsed. 15 to 20 minutes बीत जाते हैं. The sun was almost setting. Sun जो है almost जो है set हो चुका था, अस्त हो चुका था. Our father had not turned up. Nor had he sent his servant. ना तो हमारे पिता आए थे ना ही उन्होंने कोई servant भेजा था. And now the station master has had also left us. और अब जो है station master भी हमें छोड़ के चले गए थे. We were quite bewildered and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. मतलब जिस खुशी के साथ उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया था अब वो जो है उदासी में बदल गई थी. After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said if we could get a bullock cart on hire, we would go to Koregaon and if it was not very far, we would like to start straight away. उसके बाद आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर आता है और उनसे पूछता है कि मतलब what he proposed to do. मतलब वो अब क्या करना चाहते हैं कि हम उनको बताते हैं कि या तो हमें कोई बुलक कार्ट मंगवा दीजिए, बैलगाड़ी मंगवा दीजिए जिससे कि हम कोरेगांव चले जाएं और अगर ये ज़्यादा दूर नहीं है तो फिर हम पैदल ही चले जाएंगे. देर वर मैनी बुलक कार्ट्स फ्लाइंग फॉर हायर. वहाँ पे बहुत सारी बुलक जो बैलगाड़ी थी वो किराए के लिए वहाँ पे खड़ी थी. बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर माहर्स हैड गॉन राउंड अमंग द कार्ट मैन एंड नॉट वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर्ड टू सफर बीइंग polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes. अब क्योंकि उसने बता दिया था कि वो माहर्स हैं और ये बात जो है जितने भी बुलक कार्ट वाले वहाँ पे खड़े थे उन सबको पता था और उन्हें से कोई भी नहीं चाहता था कि वो अछूत हो जाए इन बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठा के तो कोई भी उनके पास नहीं आता. वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क. वो कहते हैं हमने डबल पैसे पे करने चाहे लेकिन हमें पता लगा कि पैसे भी जो है हमारी मदद नहीं कर सकते. The station master who was negotiating on our behalf stood silent, not knowing what to do. जो स्टेशन मास्टर था वो अलग अलग बुलुक्कट वालों से जो है बैलगाड़ी वालों से जो है उनकी तरफ से बार्गेन कर रहा था. मतलब उनको जो बोल रहा था कि इन बच्चों को ले जाओ लेकिन जो है उसको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था वो भी चुप हो गया था. ठीक है अब ये जो सोर्स है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक स्टोरी बता रखी है यहाँ पे. ठीक है. इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. देखो कितना मुश्किल होगा अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाएँ. हाउ इंसल्टिंग एंड हार्टफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज टू टच यू और अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज द. कितना मतलब डिसरिस्पेक्टफुल होगा, कितना ज़्यादा ये इंसल्टिंग होगा जब लोग आपको छूने से मना कर दें या फिर आपको उस जगह से पानी लेने से मना कर दें और जहाँ से वो खुद पानी ले रहे हो. दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children even though they could pay the money. इस छोटे से इंसिडेंट से हमें क्या पता चलता है कि लोगों का एक जगह से दूसरे छोटे छोटे बच्चों का जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना मुश्किल था जबकि वो पैसे भी पे कर रहे थे. All the cartmen at the station refused to take the children. सभी cartmen ने जितने भी बैलगाड़ी वाले थे सभी ने उन बच्चों को ले जाने से मना कर दिया था. They acted in a discriminatory manner. उन सब लोगों ने किस तरह व्यवहार किया, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया. So clearly as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them to द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स. तो जो कास्ट सिस्टम होता है ना सिर्फ जो है इन कास्ट के लोगों को जो है दूसरे रोजगार करने से रोकता है यानी कि दूसरे कोई काम करने से रोकता है बल्कि क्या करता है इनको जो है रिस्पेक्ट और डिग्निटी देने से भी इनकार करता है जो कि दूसरे लोगों को मिलती हैं. स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. देखो जो अंग्रेज़ों के साथ हमारी आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी है उसमें ही लोगों ने अपने जो है इक्वेलिटी के लिए भी जो है लड़ाई लड़ी है.
ठीक है, दलित वीमेन ट्राइबल एंड पीजेंट फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। जो दलित लोग थे, औरतें थी, ट्राइबल थे, किसान थे, उन्होंने वो अपने अधिकारों के लिए, यानी कि जो उनके साथ असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता था उसके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई करी है। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इन टू टेम्पल्स। जैसे कि बताया गया कि बहुत सारे दलित ने खुद को इकट्ठा किया मंदिरों में जाने के लिए। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच अ राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। औरतों ने डिमांड करी कि उनके पास भी पढ़ाई का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि पुरुषों के पास होता है। पीजेंट्स एंड ट्राइबल फॉर टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लेंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज। किसानों और आदिवासियों की क्या मांग थी कि जो उनके जो जमीन के मालिक हैं, जो उनके ऊपर जो उनसे आज़ादी चाहते थे, यानी कि जो मनी लेंडर्स थे, जो उनको पैसा उधार देते थे और ज़्यादा ब्याज लगाते थे, उन सब चीज़ों से वो आज़ादी चाहते थे। व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947 आवर लीडर्स टू वर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था तो जो हमारे लीडर्स थे वो भी चिंतित थे इस बात के लिए जितनी इनइक्वालिटीज़ हमारे देश में एग्जिस्ट करती थी। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function. Constitution क्या होता है, देखो Constitution हमें ये बताता है कि कोई देश जो है किस तरीके से function करेगा, किस तरीके से काम करेगा, उसको हम Constitution, संविधान कहते हैं। तो जो जिन लोगों ने संविधान लिखा था were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society. उन लोगों को पता था कि जो भेदभाव है वो हमारे सोसाइटी में किस तरीके से प्रचलित है, एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस, और लोग किस तरीके से उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। मेनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड ऑल्सो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित। बहुत सारे लीडर्स जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने क्या करा, दलितों के लिए लड़ाई लड़ी। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all people of India were considered equal. इसलिए इन सभी leaders ने क्या ensure किया कि जितने भी भारत में लोग रहते हैं उन सबके साथ equal treatment होगा। This equality of all persons is seen as the key value that unites us all as Indians. ये जो equality की भावना थी, यानी कि एकता की जो भावना थी कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ये सबको जो है एक की वैल्यू थी सबकी, सब लोग जो है एज इंडियंस जो है यूनाइट होंगे। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सबके पास जो है एक समान अधिकार होंगे और एक जैसी अपॉर्चुनिटीज होंगी। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम, जो छुआछूत थी उसको एक जो है अपराध माना गया, एंड हैज बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ, और कानून के द्वारा उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, अब लोग जो है अपनी मर्जी से वो काम कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, सरकारी नौकरियां आप सभी के लिए खुली हैं। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सरकार की जिम्मेदारी तय करता है कि जो लोग गरीब हैं या मार्जिनल कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं उनके राइट्स की भी जो है उनको भी जो है इक्वालिटी का राइट मिले। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वालिटी, यानी कि दूसरों के विभिन्नताओं के रिस्पेक्ट करना भी क्या है, इक्वालिटी को एंश्योर करना है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लेखकों का मानना था। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। उनका क्या मानना था कि लोगों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना धर्म को मान सकें, अपनी भाषाओं को बोल सकें जो वो चाहते हैं, और अपने त्यौहारों को मना सकें और जो भी वो फील करते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकें। ये सब करने की उनके पास आज़ादी होनी चाहिए। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो, यानी कि इनका मानना था कि किसी भी लैंग्वेज को या धर्म को या त्यौहार को हम सभी लोगों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। दे सेड दैट गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, उन्होंने कहा कि सरकार को सभी धर्मों को एक समान ट्रीटमेंट देना होगा। देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री, इस तरीके से भारत जो है एक धर्म निरपेक्ष देश बना, यानी कि किसी भी धर्म को हम नहीं मानते, हम सभी धर्मों को सेम रिस्पेक्ट देते हैं, किसी एक धर्म को किसी से सुपीरियर नहीं मानते हैं। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भारत एक ऐसा सेकुलर कंट्री है जहाँ पे लोग अपनी मर्जी के धर्म को पालन कर सकते हैं और जो है बिना किसी भेदभाव के अपने धर्मों को मान सकते हैं। दिस
इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनाइटी. इसको हम अपनी एकता का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मानते हैं, दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर, कि हम सब मिलजुल के रहेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे. दो दीज आइडियाज आर एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जो आइडियाज हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखे हुए हैं. दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट द इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इवन टूडे. ये जो चैप्टर है हमें इनइक्वालिटीज के बारे में, असमानताओं के बारे में जो आज भी हमारे समाज में है उनके बारे में पॉइंट आउट करता है. इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली. इक्वालिटी क्या चीज़ है जिसके लिए हमें लगातार कोशिश करती रहनी होगी, और जो ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगी, यानी कि हमें एक इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए लगातार कोशिशें करनी पड़ेंगी. पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस. लोगों के जो स्ट्रगल हैं और सरकार की जो कोशिशें हैं उसी के थ्रू जो है हम जो है इसको सच्चाई में बदल सकते हैं और सभी इंडियंस के लिए जो है इक्वालिटी को एंश्योर कर सकते हैं कि सभी लोगों को एक इक्वल ट्रीटमेंट जो है मिलेगा. क्लियर?